दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय द न्यूज। महाराष्ट्र में शिवसेना के सांसद संजय राउत के खिलाफ में फाइनली ईडी की टीम ने एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई की है। जैसा कि पिछले काफ़ी टाइम से लगातार ये न्यूज़ पब्लिक के सामने आ रही थी, बीजेपी नेताओं द्वारा लगातार दावा किया जा रहा था कि जल्द ही सेंट्रल एजेंसी ईडी के द्वारा संजय राउत के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी और संजय राउत को जो है गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन ऐसा कोई भी कार्रवाई, जैसा कि उनके द्वारा दावा किया गया था, ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब फाइनली ईडी की टीम ने एक बड़ा कदम उठाया है और जैसा कि अभी एक अपडेट आ रही है, इसमें बताया जा रहा है कि ईडी ने मुंबई में शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी और अन्य की 11 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है कुर्क की है। सीधे सीधे इसमें दावा किया गया है कि संजय राउत की पत्नी के नाम संजय राउत की पत्नी और अन्य के खिलाफ में 11 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है जब्त की गई है। जिन अन्य व्यक्तियों की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की गई है, उनमें व्यवसायी प्रवीण राउत, संजय राउत के करीबी सहयोगी सुजीत पाटकर की पत्नी का भी नाम सामने आया है। बाय द वे, जैसे ही ये कार्रवाई की गई है, इस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है, लेकिन शिवसेना के सांसद संजय राउत के द्वारा इस पर अभी तक कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है। वहीं बीजेपी के नेताओं द्वारा लगातार दावा किया जा रहा है कि जल्द ही शिवसेना के सांसद संजय राउत के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और इनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और कई जगहों से ये भी दावा किया जा रहा है कि संजय राउत और उनकी वाइफ को ईडी की टीम जल्द ही पूछताछ के लिए बुला भी सकती है। देखते हैं अब आगे आने वाले टाइम पे इस पर क्या कार्रवाई होती है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।